Papa? 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 कहाँ हो पापा? पापा कहीं पीकर इधर उधर लुढ़क तो नहीं गए हैं क्या? पापा हैं? बारिश भी इतनी जल्दी खत्म हो गई, पर ये पापा गए कहाँ? बेटा, अरे पापा कहाँ गए थे, इधर आओ। बेटा मैं डेसी के पास गया था कंपनी देने के लिए। डेसी? उसे भी कंपनी के लिए सिर्फ आप ही मिलते हो क्या, और कोई नहीं मिलता? पापा आप जल्दी चले गए, नहीं तो मुझे ही संभालना पड़ता आपके जैसा बार बार। अरे ज्यादा मत पियो, इधर लाओ, ज्यादा पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। पापा अगर आपने अपना लीवर खराब किया वो तो वो कुमार है ना, हाँ हाँ। आप भी उसी की तरह हो जाओगे, इसीलिए आपको उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। उसकी बेटी की शादी की बात चल रही है। वो बहुत ही सुंदर है, तुम उससे प्यार कर लो, ऐसे ही ट्राई कर लो। वो मुझसे नहीं फंसी तो? वो नहीं फंसेगी तो तुम फंसा लेना, तुम स्मार्ट हो, वो तुझसे शादी कर लेगी। अगर मना किया तो तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, कुमार तेरी शादी करवा देगा उससे, समझा गया? क्या बात है, ये नाक में कापूस भर के इस गड्ढे में रहकर मेरे बारे में कितना सोचते हो, क्या बात है बाबा। अब सुन लो, तुमको उससे शादी करनी है, कुमार को तुमसे अच्छा दामाद इस जन्म में तो मिलेगा ही नहीं। पापा, पापा आपने ऐसा क्यों कहा मुझे, आपने दोबारा मेरी इंसल्ट कर दी। सॉरी बेटा, अब तेरी तकलीफ क्या, कुछ बता ना। पापा, बेटा बहुत साल हो गए आपके साथ और माँ के साथ रहे हुए, इसमें क्या प्रॉब्लम, आपने ये बात मेरे से क्यों छुपाई बताओ। क्या आप ये बात मुझे बता नहीं सकते थे, मैं किसी और को सेट कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है। वो हमारे स्टेट वाली है? वो बात नहीं है, ये प्यार है, चाहे वो कहीं की भी हो। एक बात और बताऊँ आपको मैं? क्या बताना बेटा? हमारी मिसी को मेकअप किया तो जैसी हमारी मिसी है वैसी ही दिखती है। इतनी बुरी है क्या वो? नहीं ऐसा नहीं है पिताजी। गरम चना है। अरे इनसे बात करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, अब तू मुझे बता तेरा चना खा के अगर मैं बात करूंगा तो 10 मिनट में कैसे कर पाऊंगा। जा 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 निकल। हाँ बस पिताजी ने बुलाया। ये बात तुम मुझसे बहुत बार कह चुके हो नहीं? बस 2 महीने की छुट्टी है, वापस हाँ। जाने से पहले क्या करना है ये सोचना भी तो जरूरी है। तुम लड़की के घर वालों से 100% बात कर लो, फिर क्या है, बाकी तो तुम ओके कर लेना। हाँ हमारी तरफ से तो समझो डबल ओके है, कोई भी लड़की अपने सिर पर बात नहीं लेती, पिताजी पे डाल देती है। क्या? नहीं हाँ पिताजी ऐसा ही कहते हैं, पिताजी राजनीति में है। सिर्फ ये बात नहीं बल्कि हमें उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तुम लड़की हो पर सोने जैसी लड़की हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चले। तो शादी होगी क्या बेटा? बेचारा अभी तो उस लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मैं भी खुश रहूंगा पिताजी। फोन? किसका फोन है बेटा? मालिक का है। ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, उठा ना तू। रहने दो, गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, ड्यूटी पर बुलाने के लिए फोन कर रहा है मुझे। चल लास्ट पे खत्म कर, ये ले। पापा सुबह जल्दी उठाना, मैं कल जाके बात करता हूँ उससे। क्या भाई? वो काम हुआ? हाँ? किस हाँ? टाइप की है वो? कौन सा टाइप है? तू ड्राइवर है, ड्राइवर की तरह पेश आया कर, ज्यादा बड़बड़ मत किया कर। क्या टाइप है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चुप 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 चुपचाप गाड़ी साफ करो, ज्यादा मत बोल। ओ जीसस, प्रार्थना का टाइम हो गया। मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हे प्रभु, हे यीशु, अरे बाप रे, हमारी गलतियों को माफ करना, हम आपके बच्चे हैं, हमें स्वर्ग में स्थान देना, हमारे परिवार पे अपनी कृपा करना। आमीन। यहाँ नहीं, वहाँ पे, वहाँ। आमीन।
आमीन। तुम प्रार्थना में टाइम पर क्यों नहीं आए? आके क्या करूं, ना उसने डेट बदली ना मैंने डेट बदला, और क्या। तब तो इस साल बहुत तकलीफ होगी, बड़ा उत्सव और त्योहार एक ही दिन आ रहा है। तुम्हारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मैं दरअसल सुनो, दूसरी लड़की का क्या हुआ? दूसरी लड़की? कौन सी लड़की? बुरी तरह से फंस गया। तुम वहां मत देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या नाम है उसका? डीला। क्या? डिलन। मैं उसे डीला कह के ही पुकारता हूँ। चलो, मेरा बेटा तो खुश है ना, हमारी कष्ट की है ना वो, सही है ना माँ? बिल्कुल सही। हाँ। सुन, हनीमून के बारे में क्या? वो हनीमून? अब संबंध के बारे में क्या बात करना है? मुझे तो बस जल्दी से दादी बनना है। हाँ, बिल्कुल सही। ये देखो तो कैसा शर्मा रहा है मेरा बेटा। देखो, शादी की बात सुनकर इसका चेहरा कैसे लाल हो रहा है। सुनो बेटा, कल तुम गैब्रियल फादर से जाकर मिलो। अरे उससे पहले बहुत सारे काम है, लड़की के घर वाले इधर आएंगे, बातचीत होगी। अरे वो बात नहीं है, बड़े त्योहार के बारे में। वो बात है, मैं जाके मिलता हूँ। अच्छा सुनो बेटा। हाँ? उसके बाल कैसे? हाँ, अच्छे हैं, उसके बहुत ही लंबे बाल हैं। आप दोनों उसके साथ रहना हमेशा। हाँ? उसके लंबे बाल जमीन पर ना गिर जाए पकड़ के रखना। मैं सही कह रहा हूँ। स्वर्ग में रहे हमारे पिताजी। लेजर की पिताजी गुजर गए, इनकी गलतियों को माफ करना। हे ईश्वर, इनको अच्छे से स्वर्ग में जगा देना। आमीन। लेजर, हमारे वो लोगों के लिए प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है, मरने से पहले किए गए कर्म ही वहां देखे जाएंगे। तो फिर यहाँ पे प्रार्थना क्यों करवाते हो आप? उनकी आत्मा और मन की शांति के लिए। ज्यादा बोलो मत, मन की शांति यहीं दे दूंगा। अब आपको मन की शांति मिली? आ जाओ माइकल, आ जाओ। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मैं चर्च गया था, पता चला आप यहाँ हैं तो मैं यहीं चला आया। तुम बार बार यहाँ आते रहो और ये सब देखते रहो। शादी का मंडप थोड़ी है कि यहाँ आए। मुझे पता था तुम ये बात निकालोगे। और तुम भी, तुम्हें अगर पीना है तो कहीं बार में या होटल में जाकर पियो। तुम लोग यहाँ समारोह में आकर मत पिया करो, समझे? अरे मैं तो अपने पापा को कंपनी देता हूँ। हाँ, तुम अपने बाप को कंपनी दो, भूत तुम्हें कंपनी देगा। फादर, मेरे पिताजी ने आपसे मिलने के लिए कहा। ओके, आप जाके आइए, हम यहीं वेट करते हैं। कोई बात नहीं। वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर वर्गीता। इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। आओ, कल क्या हुआ तुम्हें पता है? चल। हाँ चलना। इतनी बड़ी लिस्ट थी। हाँ। वहाँ उत्सव सेरेमनी पे चर्चा हो रही थी, उसी दौरान झगड़ा हो गया, मैंने झगड़ा खत्म करवाया। हाँ, पिताजी ने बताया था। एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, आने वाले हमारे उत्सव त्योहार के लिए हमें एक दिन में तैयारियां करनी होंगी। हमारा जो त्योहार है उसको हम इतने धूमधाम से मनाएंगे कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए 10 शो करवाइए और सजावट के लिए 10-15 हाथियों की जरूरत पड़ेगी। दिवाली जलाएंगे। हाँ, वही। नाच गाना करेंगे। हाँ। और समय मिला तो हम सब मिलकर थोड़ा बहुत पी भी लेंगे। तो हम सभी लोग उत्सव में शामिल होंगे ना? हाँ, शामिल होंगे ना। हाँ, होंगे माइकल। हाँ, पटाखे फोड़ने के लिए हमें किसको लेना चाहिए? हाँ तो वो अभी वो फोड़ने के लिए अबूसा और मूसा से ही करवाना पड़ेगा ना। हाँ, अगर वो मिल गए तो हम पटाखा फोड़ने में सबसे आगे रहेंगे। हाँ, अगर ना मिला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें सर झुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो हमें मिल जाए तो पटाखे फोड़कर हम गांव वालों को बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि गांव में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना होगा। क्या दिमाग पाया है फादर। अगर ये सफल नहीं हुआ तो इधर आओ, उत्सव को तुम लोग खराब कर देना। ये तुम लोगों के चाहने से होगा, सुप्रीम कोर्ट के चाहने से नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्लास लेने आया था, टाइम हो गया, मैं जाता हूँ, चलो। एक खास अनाउंसमेंट, बच्चों, धर्म के बारे में जानने के लिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए आज फादर आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। हेलो फादर, बहुत अच्छा है यार। हाँ सद्दाम, तुमने मुझे फोन नहीं किया। तुम भी तो मुझे कर सकते थे ना। कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ, तुम्हारी बीवी ने वापस झगड़ा किया क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवा कॉल किया था, वापस आ रहा है उत्सव के टाइम, और उत्सव के बाद वो वापस चला जाएगा। पूजा की शादी की बात करें तो वो उसकी शादी कराने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत दिनों बाद उससे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे बारे में जैसे बताने लगा फोन कट कर दिया। वो 3 महीने की छुट्टी में आ रहा है। वो बोल रहा था कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, खूब मस्ती मजे करेंगे। लेकिन मैंने तेरे बारे में पूछा तो उसने फोन क्यों कट कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माइकल तू सुन रहा ना कुछ? सुन माइकल, घड़ी स्लो चला, मैं बीवी बच्चे वाला बंदा हूँ। तुम्हारा क्या, तुम्हारी तो अभी तक हुई नहीं है लेकिन तुम अभी करने वाले हो। पागल कहीं का, मैंने उसी दिन इसकी शादी करने के लिए कहा लेकिन नहीं माना। सुनो यहाँ एक लड़की शादी करने के लिए तड़प रही है लेकिन तेरे तो एक दो नहीं बल्कि 3-3 बच्चे हैं। हाँ भाई, शादी करोगे तो बच्चा होगा तो किस्मत खुलेगी। माइकल अभी इसको गाड़ी से बाहर निकालो। ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं कुछ गलत बोला क्या? अरे ये तो 30-35 साल का हो गया है। सुन शिवा, इस ट्रिप पे मुझे बहुत सारे काम करवाने हैं। सबसे पहले तेरी बहन के हाथ पीले करवाना है, मुझे उत्सव भी मनाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम धूमधाम से बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, मजे करें। अच्छा। ओ, तो शराब की बोतल इकट्ठी होगी। तुम क्या शराब की बोतल ढूंढ रहे हो? हाँ। मैं तो लेकर नहीं आया। शराब की बोतल नहीं लाए? अरे ड्यूटी फ्री की बोतल थी फिर भी तू नहीं लाया, कैसा गल्फ वाला है कुछ समझ नहीं आता। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, तूने सारा खराब कर दिया। वो बात नहीं है, अगर मैं शराब लेने जाता तो मैं देर हो जाता घर जाने में और बीवी बच्चों से मिलने में। जा तू वापस जा। रुको रुको, अरे बाप रे, ये सब क्या? हाँ। कितनी भीड़ लगी हुई है। अरे बिल्कुल भी चिंता मत करो, इससे भी ज्यादा भीड़ हो तो भी ले सकते हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, शराब मैं लाऊंगा, पैसा दो बस। पैसा दे माइकल। तुम पैसा दो? मैं? हाँ, पैसा दो। देगा और कौन देगा? जा जल्दी लेकर आ जा। चाचा मेरे लिए भी एक ले लो ना। अरे भाई तुम तो ले लो ना। पीछे जा। अरे कोई तो ले लो भाई। मैं नहीं लूंगा। अरे भाई सुनो ना, मेरे लिए एक ले लो, चेंज तुम रख लेना। ए चल चल पीछे जा, पीछे जा, चल चल निकाल निकाल। अरे इंसानियत है नहीं किसी में। पीछे जा चल। पीछे मैं क्यों जाऊँ, मैं इसी में घुसूंगा। अरे जाने दो। रुको अभी तुम लोगों को मजा सिखाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं भी खड़ा हूँ एक दारू की दुकान पे। आप देख सकते हैं कि दारू की दुकान पर स्टूडेंट कितनी अधिक मात्रा में हैं। स्कूल ना जाने के बहाने यहाँ पर आकर दारू पी रहे हैं। आप देखिए कितने हैं, देखिए अभी आपको देखकर भाग रहे हैं यहाँ से। अगर ऐसा रहा तो हमारे देश का भविष्य खराब हो जाएगा। आजकल के बच्चे देखो दारू पी रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो, उनके माँ बाप तक इस वीडियो को पहुँचाओ। लगता है सब भाग गए, चलो अपना काम बन गया। चाचा दारू देना मुझे। अरे लोग भाग क्यों रहे? हाँ हाँ, यहाँ का बेवरेज खत्म हो गया है इसलिए लोग वहाँ भाग कर जा रहे हैं। चलो अभी लगता है हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? मैं देख कर के आता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। तुम चुप रहो, मुझे घर जाना है। मिल गया, मिल गया। ए, कर ली तो मैं कैसे घर पे जा पाऊंगा? मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलना है। अच्छा तू अब एक काम कर, सब कुछ भूल जाएगा, बस एक पैक मार ले। मारूंगा एक। वो पुलिस स्टेशन जाकर के पक्का केस करेगा क्योंकि गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। अच्छा, अगर मेरे घर में पुलिस आएगी तो मैं तो गया। देख मेरी बीवी का फोन आ गया, तेरी वजह से हुआ। अरे तू चुप करना यार। अब मैं क्या करूँ? बीवी से डरता है। मारूंगा एक। भाई बोलना। हाँ उसका इन्फॉर्मेशन सही है, उन दोनों ग्रुप की गाड़ियों को चेक करना चाहिए। सर बाकी लोग मिलेंगे? हाँ सभी लोग मिल गए हैं कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ। सर इन पर FIR लिखें या इनसे नाटक करवाएं? इंक्वायरी करके छोड़ दो, इंक्वायरी अच्छी तरीके से करना। ओवर। ओके सर ठीक है। 8.5 किसका फोन है? तुम ऐसे हनुमान जैसे क्यों खड़े हो? अरे सर गाड़ी टकराने के वक्त वो गाड़ी यही चला रहा था, ये हमारे उस गाड़ी का ड्राइवर है। मैं जीजस को बताऊं क्या? सर हमें माफ कर दो। माफ कर दूं? ये कोई नाटक शो नहीं है और ना ही ये स्टेज है, ये पुलिस स्टेशन है। समझ में आया क्या? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? पंचाली। अच्छा नाम है। वाइफ 2.5, ये किसका फोन है?
मेरा है सर, मेरी दूसरी बीवी का फोन है सर। दूसरी बीवी जीजस का नाम खराब करता है। तुम्हारी दो बीवी है तो ये 2.5 क्या है? ये तो आधा हो गया है सर। हाँ, पूरा हो गया तो बीवी बना दूंगा। जीजस कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है, पागल करती हो मुझे। सर टेंशन मत लो, ये जो काला कपड़ा और भूरे बाल में खड़ा यही है। नमस्कार। देखो देखो सर सेटिंग कर रहा, देखो। पंचाली तुम ही हो? नहीं सर, पंचाली हूँ। ऐसा नहीं है, पंचाली की फिल्म में ऐसा ही फिगर था उसका। सही में सर? सही है सर, हमने जानबूझकर नहीं की। कोई बात नहीं, पंचाली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पंचाली की कोई भी फिल्म लगती है मैं उसे जरूर देखता हूँ। सर आप तो अपना ही सेटिंग करने में लग गए। वाह। सर ये बाइबल वाले हैं, सड़क के किनारे इडली बेचते हैं, फुटेज है इनका। अच्छा, उस दुकान से इडली किसने फेंका सच बताना। सर मैंने ही, ये था ये था। तो तुम उनके साथ मिलकर भजिया तल रहे थे क्या? मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ दिखाई देता हूँ। सेटिंग में लग गया। सर इन लोगों ने ही इडली के दुकान के सामान फेंके थे बाहर। ओ तो इन्होंने ही फेंका था, कुछ भी नहीं किया, अनजान बनकर मेकअप करके खड़े हो यहाँ पर हैं? किसने इटली की दुकान की चीजों को सड़क पर फेंका, जल्दी बताओ। मेरा सवाल सही था कि नहीं? हाँ हाँ सर, ये काम इसने ही किया था, मैं सही बोल रहा हूँ। सर सर मैंने नहीं किया, इसने किया। नहीं सर, सच में मैंने नहीं किया। सर ये काम कुसेल ने किया था। ओहो तो ये भला काम करने वाले आप हो। सर उस वक्त मैं अपना दाढ़ी लगा रहा था, वहाँ पर यही था। तुम चुप बैठो, सर ही बोलेंगे। सर आप ही कुछ करो ना। कुछ करूँ मैं? तुम लोग ने जितनी कलाकांडी की है सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। इडली की दुकान में सीसीटीवी कैमरा कहाँ होता है? तुम्हारी धोती निकालूंगा तो सच बाहर आएगा। सर वो कार जो पार्क में खड़ी है उसके बारे में पूछिए सर। हाँ वहाँ पार्क की गई हुई गाड़ी का मिरर किसने तोड़ा था? मेरे कमिश्नर को बुलाने से पहले तुम लोग सच सच बता दो किसने फोड़ा। सर वो मैं ही हूँ, इस गधे से मारा, ऊपर वाले की कसम, मुझसे गुस्से में हो गया सर। गुस्से में? पीसी कैमरे में चेक करके बताओ। सर ये कैमरा में नहीं मिला सर। अच्छा हो गए, लोग फंस जाए। सिर्फ तुम्हारे पास गधा है, दिमाग नहीं। पुलिस स्टेशन में आके सच बता रहे हो? अगर कोई बवाल करते हो तो आसपास देखकर करना चाहिए, सीसीटीवी है या नहीं, बात समझ में आई? यस सर। इसके पहले मेरा दिमाग खराब हो तुम लोग निकलो यहाँ से। ओके सर। कहाँ लेकर आए, पुलिस स्टेशन या ड्रामा कंपनी में? ये तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ हमारा क्या काम है? तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए? अरे यहाँ पर काम है छोटू, चलो। हाँ मैं रेडी हूँ, जल्दी चलो, खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। अरे हाँ चलो, दिमाग मत खराब करो। एक्सक्यूज मी सर, सीआई बाबू नहीं है क्या? बाबू? हाँ। वो क्या तुम्हारी गोद में खेलता था क्या? अरे वो बात नहीं है सर, सीआई सर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सर। दोस्त हो? नमस्ते। सीआई सर पार्टी में गए थे, वहाँ पर उनको चोट लग गई, अभी वो अस्पताल में है। ऐसा क्या? क्या नहीं कुछ नहीं। हाँ अभी उनकी जगह मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ सर आओ बैठो बैठो। ओके सर। सर हम एक केस के सिलसिले में बात करने आए हैं सर। कौन सा केस? दरअसल स्टेशन के आसपास का जो भी केस है वो यहीं पर दर्ज होता है क्या सर? हाँ यहीं पर दर्ज यहीं होता पर है। ना? हाँ। क्यों कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। केस क्या है, मार खाया, एक्सीडेंट किया या धमकी दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, दरअसल हमने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से धो दिया सर। बहुत बुरी तरह से। वहाँ धोकर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसे यहाँ आना चाहिए था, तब हम लोग तुम्हें यहाँ पर उठा कर लाते। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वो यहाँ पर आकर के कंप्लेंट दर्ज करता है तो सर आप हमें किस केस में अंदर डालेंगे हम पहले से जानना चाहते हैं। हाँ ऐसा क्या? सर मुझे तो ये लोग पागल ही लग रहे हैं। पहले कंफर्म करने दो। हाँ तो तुमने उसका एल्बो तोड़ दिया क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं। तो उसका सिर फोड़ दिया होगा, उसके सिर पर घाव या कोई खरोच? अरे नहीं नहीं सर कुछ भी नहीं सर। फिर क्या समस्या है? नाक से सिर्फ खून आया सर। खून और एक दांत भी गया। ए दांत नहीं टूटा। अरे दांत टूटा है मैंने देखा है। अच्छा? आगे का एक दांत टूट गया सर। हाँ समझा समझा, तो आईपीसी 326 तो यहाँ पर जरूर आएगा वो। तुम लोग यहीं पर बैठो। अच्छा सर
दो लोग और थे उनको बुलाऊं? दो लोग हाँ? उनको भी बुला लो। हाँ, अभी बुला के तुम लोग साथ में थे ना मारने में। हाँ, हाँ, बुला लो। सर हम इसमें कॉमेडी देख सकते हैं क्या? कॉमेडी इसमें नहीं दिखता, बाहर से बुला के ला उनको। जी सर। बड़ा आया कॉमेडी वाला। तुमने सही कहा था, ये लोग वाकई पागल हैं। रुको, आने दो। पुलिस वालों को इसमें खुशी मिलती है। हाँ। रात भर हम लोग ड्यूटी करते हैं और अगर दिन में कहीं पीने बैठ गए तो कोई भी फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर फेसबुक में डाल देता है और कहते हैं लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये लोग सभी पीते हैं लेकिन हम पे कमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं। आपने सही कहा सर, लेकिन पुलिस में कुछ गंदे लोग भी हैं सर। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे रुकना, इसलिए लोग पुलिस से नफरत करते हैं सर। सर आप चिंता मत करिए, हम लोग हमेशा किसी की दांत नाक तोड़कर यहाँ पर आते रहेंगे। एक का दांत तोड़ा तो एक फुल लाए, पांच का दांत तोड़ा तो पांच बोतल फुल लेकर आओगे। सर आप ना भी, सर आप चर्च के उत्सव में आइएगा, हम लोग वहाँ पर मारपीट करने वाले हैं और उसके बाद मिलेंगे आपसे। मिलेंगे तो तुम लोग मेरा सस्पेंशन चाहते हो? सुनो माइकल, मेरी वाइफ का फोन है, कितना टाइम लगेगा? और मैंने 8 बजे पहुंचने को कहा था। पत्नी भी ये बताओ, तुम्हारी पत्नियां फोन नहीं करती क्या? हमारी पत्नी ही नहीं है सर। हाँ। तुम लोगों का ऐसा रिश्ता है, मुझे मालूम नहीं था। अरे हमें तो अभी तक लड़की नहीं मिली सर, हमें पसंद ही नहीं करती। हाँ। दो पैग मार के सड़क पर मारपीट हाँ। करके दांत तोड़कर तुम जैसे साधारण लड़कों को लड़की नहीं मिली तो और किसी को कैसे मिलेगी? सुनो, सॉरी भाइयों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, आप लोग चालू रखो। ठीक है। सर शादी के एक दिन पहले शादी के रुकने की वजह से ये भाई बहुत दुखी हुआ था। क्या हुआ? वो लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई क्या? अरे बोलो ना। वो बात क्या है ना सर, वो जो लड़की थी ना, वो इंटरनेट पे ज्यादा चिपकी रहती थी सर, और फेसबुक से किसी से टाका भिड़ और भाग गई सर। माइकल सॉरी सॉरी, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में बहुत कॉमेडी थी। अच्छा, वक्त बहुत हो गया, जिसको हाँ। तुमने मारा था वो अब नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ओह, बॉटल भी खत्म हो गई। ये भी खत्म है। अच्छा, बॉटल तो खत्म हो गई, तो फिर तुम लोग यहाँ पर अभी तक क्यों बैठे हो? चलो निकलो यहाँ से, छो मत इसे, निकलो यहाँ से। मस्त आइटम है ये, आज का दिन अच्छा खासा माल मिला। इसको खाने से ताकत आएगा। रात के लिए टॉर्च भी काम आएगी, रख देता हूँ। आज सोचा था कि घर जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ खाना खाऊंगा, मजे करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक पहुंचाया ही नहीं। मेरी बीवी सुबह से फोन कर रही है। चुपचाप बैठ, हमेशा गल्फ से आते ही सीधा घर में घुसने की सोचता है। ये बच्चों से नहीं, बीवी से मिलने के लिए तड़प रहा। ए, तेरे को तू क्या है? ये तो बीवी का गुलाम बन गया है यार। हेलो बेबी, रास्ते में हूँ मैं। हेलो हेलो, देखा गुस्से में फोन काट दिया। रुको मैं बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ। तुझे 2 घंटे में घर छोड़ देंगे, नो टेंशन। 8 किलोमीटर है, 2 घंटे हो जाएगा क्या? अरे रास्ते में मेरा घर। हाँ, शिवा भाई को घर पे ड्रॉप करेंगे और माँ पापा से मिलकर जाना। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। सुनो ये क्या है? इसमें क्लिप है, देखो। मालूम है ना एक तेरे को। अरे तुम्हें अच्छा लगेगा। ए उठ जा, उठ जा ना। क्या हुआ? अरे घर पहुंच गए ना। ए चल उतर जल्दी। अरे वाह, सब लोग आ गए। अच्छा, एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में 10 घंटे लगते हैं क्या? भाभी ने फोन किया था कि आप यहीं हो। तुमने क्या कहा? और क्या कहती, मैंने कह दिया आप यहाँ नहीं हैं। बेचारी भाभी बिना खाए पिए आपका वेट कर रही हैं। सुनो, तुम उसको ज्यादा डराना मत। माँ बाप सो गए क्या?
शादी करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, इसलिए थक गए ना। क्या भैया, इनमें ना कमाल के गुण है। उनके अंदर पूरे सरकार के गुण है, पूरे सरकार के। ये लो तुम्हारी पसंदीदा अल्फा मिठाई। ये हर बार तुझसे अल्फा मिठाई मांगती रहती है। कल के अपने घर जाएगी शादी करके, तो वहाँ किससे मांगेगी? सुनो, तुम शादी के लिए कोई भी ड्रेस मत लेना, तुम्हें जो भी चाहिए वो ये लाके दे देगा। जो भी तुम्हें चाहिए बोल देना। बस बस ठीक है। ठीक है। तुम अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए क्या? जा रहा हूँ, बस जाऊंगा। इतने दिनों बाद तुम यहाँ पर आ रहे हो, सीधा घर जाने के बजाय तुम इनके साथ घूम रहे हो, आवारा गर्दी कर रहे हो। सही कहा आपने। ये दोस्ती भी जरूरी है, लेकिन पत्नी धर्म भी जरूरी होता है। शुरू हो गए। क्या बोला? तुम इस लड़की के लिए कुछ भी मत करो, लेकिन जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कोई गलत हरकत मत करना, क्योंकि गलती तुम्हारे स्वभाव में है। प्लीज, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है। वो बात नहीं है पिताजी, दूर वाले रिश्तेदारों की लिस्ट देंगे ना तो मैं और शिव दोनों जाएंगे, साथ में ये भी है। हमने सबको पहले ही बता दिया। अरे ये अभी बताना चाहिए ना कि आदमी सही है कि नहीं। फुल बॉटल लोगे क्या? क्या? अरे पत्ता खेल के हमारे परिवार के घर को बेचे और पुराने घर में रह रहे, ये सही है ना बहन? तुम पिताजी की पुरानी बातें मत करो, पिताजी वैसे बुरे आदमी नहीं है। हाँ सुनो भाई, ऊपर वाले से हमें दुआ करनी चाहिए, इसकी शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और सब लोग अच्छे से रहे, यही मैं चाहता हूँ। अरे तो जैसा कहा वैसा रहे, अभी हम चलते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैंने कोई एडवाइस नहीं दिया, अभी आता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? अरे आता हूँ ना अभी। ए, अरे तुम जाके सो जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। शिवा सुन, उठो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, आज मेरा बर्थडे है। शिवा भाई चला गया क्या? चलो चल के पार्टी करते हैं, आओ ना। पॉलसन भाई, सुनिए, ग्लास मुझे दे। एक मिनट यहाँ आइए ना। क्या हुआ पूजा? भैया को देखा क्या? फोन किया तो उठाया नहीं। किधरी किधर तो था, कहाँ गया? कुछ काम था क्या तुम्हें? एक जरूरी बात करनी थी उनसे। तुम यहीं पर रुको, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। ए, चलो चलो जल्दी चलो। एक मिनट, हटो हटो, तुम लोग फॉल्सन की बात मत सुनो, अभी भी बैंड बाजा बज रहा है। बैंड बाजा बंद करवाओ और बारिश से पहले इन लोगों को चर्च में आने के लिए बोलो। चलो 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 चलो, आ जाओ जल्दी जल्दी करो, बारिश आने वाली है, जल्दी करो। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया क्या? साथ में कोई नहीं है? नहीं, एक बात पूछूं मैं, सच बताना भैया के साथ क्या झगड़ा हुआ? आजकल वो बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आते हैं, हम लोग उसे बात भी नहीं करते हैं और पिताजी से झगड़ा करके घर से चले जाते हैं। माँ भी बहुत दुखी है, बताइए ना आप दोनों में कैसा झगड़ा हुआ है? तुम ना ज्यादा चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम तो उसके स्वभाव को जानती हो ना। देखो तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलो घर चलो चलो। हाँ माइकल, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शिवा हमारा दोस्त है, उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। तू अब ज्यादा टेंशन मत ले, अपना ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, उससे ज्यादा शांति से बात कीजिएगा। हमने जाकर उसके पैर पकड़े थे लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। चल बाद में देता हूँ। ठीक है भाई, जा। चलो साइड में चलो, छोड़ दो। शिवा तू चल इधर आ, इधर आ, साइड में चल, साइड में चल के बात करता ना। चला आ मेरे साथ। तुम्हारी जमानत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है त्योहार रोक दिया गया है? न्यूज में आया था एक आतंकवादी की बहन से वो शादी नहीं करना चाहता है। तो शादी रुक गई क्या? हाँ रुक गया, हमने जाकर उनके पैर भी पकड़े थे, ये भी कहा था कि तुम इस घर में पैर नहीं रखोगे,
लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। भैया अंदर चलिए भैया, पिताजी ने गुस्से में कह दिया, आप घर के अंदर चलिए, चलिए चलिए ना भैया, मेरी बात सुनिए। माइकल, बाहर आ माइकल। तू और तेरे लोगों ने मेरे को तेरे बाप के सामने मारा, फिर मुझे पुलिस लॉकअप में डलवा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब सुनो सर, ये शिवा अब प्रॉब्लम करने वाला है। पैसा मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा आपने सबके सामने बोला। अब मैं ऐसा ही करूँगा, देख लेना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं आतंकवादी नहीं था। नहीं, तुम लोगों ने बना दिया और मेरी बहन की शादी रुक गई। शिवा तुम्हें क्या कह रहे हो, वैसे तुम्हारी बहन की शादी नहीं रुकेगी, कल मैं जाकर बात करूंगा, पहले तुम अंदर चलो। नहीं चलो। जाना मुझे, तुम लोगों ने सबके सामने मुझे आतंकवादी कहा तो मेरी बहन की शादी होगी क्या? तुम अंदर चलो। नहीं शिवा, शिवा छोड़ मुझे। याद है ना, तूने ही मेरी बहन का पैर तोड़ा, ये बात भूलना मत। चल जल्दी यहां से। उस दिन से ये गांव छोड़कर चला गया शिवा। कहां है, कैसा है, ये बात किसी को भी नहीं पता। जो भी हो, आज पूजा की शादी करने के लिए वो वापस आ रहा है, ये खुशी की बात है। बेटा, बेटा, तू यह अकेले में क्या कर रहा है? नीचे शिवा की बहन आई है तुझसे मिलने के लिए। ए, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, बैठी क्यों नहीं अब तक? अब तो तुम्हारी शादी एक सरकारी आदमी से हो रही है, क्या बात है? भैया, मुझसे शादी करने के लिए वो तैयार तो हो गए हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी वजह से किसी को दुखी नहीं करना चाहती। ए, तुम चिंता क्यों करती हो, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। खैर ये बात छोड़ो, शादी में शिवा आ रहा है ना? आज ही कार्ड छप के आया है और पहला कार्ड मैं आपको देना चाहती हूँ भैया। और मुझे ना नहीं सुनना है, आपको किसी भी हालत में शादी में आना ही होगा। पुरानी बातें भूलकर, दुश्मनी भूलकर, आप लोगों को ही मुझे मंडप में बिठाना है। आप सबसे मैं बस इतना ही चाहती हूँ। ये भाई आएगा, जरूर आएगा। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। संभल के। हाँ। चाबी ले भैया। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, सब अंदर है। चाबी ले लो माइकल, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तुम गाड़ी चला तो लोगे, चलाना आता है ना? तुम डरो मत भाई। माइकल क्या कर दिया? पूजा, 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 क्या हुआ तुम्हें? पूजा, अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? पूजा, मेरी बेटी पूजा क्यों रही है? अरे बेटी क्या हुआ, ये क्या किया तुम लोगों ने? गाड़ी तुम लोगों ने उसके पैर पर चढ़ा दी, अपाहिज कर दिया तुम लोगों ने उसे। जल्दी ले चल। हाँ बेटा, बस अस्पताल लेके चल, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
अरे इलियास भाई। हाँ हाँ आजा बैठ। ये SBI सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो रात में वहाँ का और दिन में यहाँ का बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड इलियास भाई के यहाँ का है? रात को वहाँ से 500 रुपए कमा कर आता है और दिन को यहाँ पर दारू पी के सो जाता है, इसी हिसाब से ये दोनों तरफ का बॉडीगार्ड हुआ। एक जगह संभाल नहीं पाता तो दूसरी का क्या संभालेगा? इलियास भाई इसका भरोसा नहीं करोगे क्या? ये तो हमेशा सच बोलता है। ध्यान से मेरी बात सुन, ये दोनों है ना ये गुरु चेले हैं, बहुत प्यार है इनमें। अब तुझे उधार नहीं मिलेगा, पिछला हिसाब चुका पहले। आधा घंटा पहले ही। इलियास भाई जब आप अपनी शॉप खोलने के लिए इधर उधर जाके जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे मतलब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी दुकान यहाँ पर है। दिल दिल के उसी दिन से मैंने यहाँ पे उधार रखा है, ये बात भूलना नहीं। छे ये जब भी तुमसे उधार मांगेगा तुम्हें देना पड़ेगा। अरे इसमें तो पीस मिला है, चिकन पीस। अरे पोलसन माइकल की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको पता है माइकल भाई की शादी तय हो गई बहुत बड़े घर से। हाँ। और उसकी होने वाली पत्नी का पापा अमेरिका से आया यहाँ पर, ऐसा लगता है कि शादी पक्की हो जाएगी उसकी। इस बार भी इसकी शादी नहीं हो पाएगी, इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है जब शादी होने जाती है तो एंड में कैंसिल हो जाती है। जवानी में रंग दिखाया तो गाँव वालों ने तेरी शादी करवा दी, वो भी डिग्री वाली लड़की के साथ। इसकी डिग्री वाली लड़की की अभी शादी हुई है क्या? हाँ। Excuse me. ये तो लड़की की आवाज है। Excuse me. अच्छा यहाँ कोई पॉलसन? इस छोटे से पिंजरे में मुर्गी कैसे फंस गई? बोलिए ना, मेरा ही नाम पॉलसन है। पॉलसन क्या आप बाहर आएंगे? कुछ बात करनी थी आपसे। प्लीज कम। इलियास भाई मुझे दुआ दो। अब तो ऊपर वाला ही दुआ देगा तेरे को। इलियास भाई जा। बहुत खूबसूरत लड़की है इलियास भाई। वर्जिन है क्या? छोटी है। अरे अभी तो ये सच में वर्जिन है। बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखा। वाह। जो तुम बता रहे हो तीनों में से तो वही लग रहा है। सनी सनी लिया हूँ। कोई देख तो नहीं रहा। परमावती का बेटा हूँ मैं, मेरी उम्र 32 साल है और मेरा कद 5'2" है, मेरा शरीर पतला है। बस आपको भी क्या कोई कहानी सुनानी है? हाँ मैं यहाँ एक कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी सुनाने आई हूँ? हो सकता है इसके पिता ने कहा होगा त्योहार के दिन नाटक और कहानी सुनाना। दो चेयर लेकर आना। तो हाँ लाता हूँ। मैं कलाकार हूँ। ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई थी कि मुझे कला का ज्ञान बहुत है। तू क्या इस पे बैठा है? ये कहानी आपको सुननी चाहिए। वेरी गुड, इस कहानी को तो मैं जरूर सुनूंगा। बैठ कर बैठिए। ये तीसरा चेयर भाई आपके पैर रखने के लिए। वेरी गुड, तुम निकलो। इंस्टाग्राम पे हो क्या? नहीं है। लड़की को देखो तो ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर ध्यान मत देना, हम बात करेंगे। आज से 25 साल पहले ऊटी में एक बड़े स्कूल में ये कहानी शुरू हुई थी। वाओ नाइस लोकेशन। लेकिन नाटक में ऊटी वाला कोई लोकेशन तो नहीं है। ये लोग मीटू कर रहे हैं क्या? नहीं, मीटू का स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंटिन्यू। स्कूल में नैन्सी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो अपने ही क्लास के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एग्जाम के बाद नैन्सी अमेरिका चली गई अपने पेरेंट्स के पास पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि वो पूरे 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उफ, इस कहानी के स्टार्ट में तो भयंकर ट्विस्ट है। एक खाने के लिए, टाइम पास के लिए। यू कैरी ऑन। अमेरिका में 17 साल की नैन्सी उस बच्चे को जन्म दे ऐसा उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। उसके एबॉर्शन कराना चाहते थे लेकिन नैन्सी ने ऐसा होने नहीं दिया। नैन्सी ने उस बच्चे को वहाँ जन्म दिया। सच में? उस बच्चे के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए नैन्सी के पिताजी ने उस बच्चे को ऑर्फन वालों को दे दिया। वहाँ उस बच्ची को सभी लोग शैरिन कह के पुकारते थे। बिना माँ बाप के शैरिन बड़ी हो गई
और नैन्सी की उसकी मम्मी पापा ने शादी करा दी और ऐसे ही वक्त बीत गया। शेरिन के 18 साल होते ही नैन्सी उससे मिलने के लिए उसके पास गई थी और उसकी शादी भी कराई। अब शेरिन को 5 साल का लड़का भी है और 3 महीने पहले ही नैन्सी माँ मर गई। मर गई? अब शेरिन अपने लड़के को लेकर अपने पापा से मिलने आई है। वाह, क्या स्टोरी है। विलन वो उट्टी वाले स्कूल में पढ़ता था, कमीना। इसका मतलब इस नाटक में ऊटी वाले स्कूल को दिखाना होगा। ये कोई नाटक नहीं है, ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी माँ ही ऊटी में पढ़ती थी और मैं नैन्सी की बेटी शेरिन हूँ और वो रहा मेरा बेटा विकी। लड़का अच्छा है और कहानी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे ये बताने का कारण क्या है? कारण है मेरे पापा, आपने कहा वो विलन है, इसके ग्रैंडफादर जिसे आप लोग प्यार से माइकल भाई कहते हैं। माइकल भाई तुम्हारा पापा और इसका ग्रैंडपा है? हाँ, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए हमें इस तरह का भाग्यशाली दामाद मिला। मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, अगर उसने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, इसीलिए हम बिना बताए यहाँ पर चले आए। अच्छा ही होगा क्योंकि सेकंड से साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं और उटी में भी साथ में थे। इसके बारे में मैं यहाँ हूँ। इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, लड़की को बहुत खुश रखेगा। माइकल प्यार में पड़ गया था, ये सुनते ही मैं आश्चर्य में पड़ गया था। यहाँ आने के बाद इसने किसी लड़की की शक्ल भी अभी तक नहीं देखी। देखता क्यों नहीं है तू? आप भी ना फादर। इसको देखो तो कितना शर्माता है ये। ये फादर ज्यादा ही बोल रहा है। तुम चुप रहो। हाँ, मैं कल मंगनी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। लेकिन आप शादी कब करेंगे? हाँ। ये हमें जानना है। मैं और बताता हूँ। यू शट अप, बस आप बताइए। मिस्टर लुइस, यस, घर में आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी त्योहार से पहले शादी नहीं कर सकता है, जब तक त्योहार खत्म नहीं होता है शादी नहीं करेगा। अच्छा शांत हो जाइए, कल मंगनी करा दो। कल मंगनी करा देते हैं, क्या बोलते हो? इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी कहेंगे उसमें हम दोनों की सहमति है। सही, लेकिन शादी त्योहार के बाद ही हो। ठीक है, कहां मैं आपकी बात टालूंगा। मुझे लगा था कोरा सर हमारी बात मानेंगे, लेकिन उस वक्त फादर कुछ ना बोले तो ही ठीक होगा। ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं। फादर, अरे आप शांति से बैठिए, तारीख तो पक्की करके जाइए। जीसस का नाम लेकर हमें काम शुरू करेंगे। हाँ। फिर आगे देखते हैं। हाँ। क्या होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं माइकल? हाँ, फादर, हाँ, फादर, ये सब समझ गया, सब समझ गया। मेरा फोन आया, मैं अभी आता हूँ। वन मिनट। हेलो, और मंगाऊ क्या? डबल लार्ज है। होश आए तो कुछ भी बोलता है, बोलते भी लड़का के गोली मारा, गोली गले में लगी, नशा उतर गया, ये कैसी बात हो गई? कोई तो जवाब दो, कोई तो कुछ बोलो। अरे तुम इससे पूछो ना इलियास भाई। मैं कैसे पूछूं, बोल। हैं? अरे आप जानते हो ना इसको? ओ भाई आ गए। क्या हुआ? अंकल भाई, गोली। क्या गोली? हाँ। कैसे लगी? एक छोटा बच्चा आके उसको गोली मारा, साथ में एक लड़की भी थी। एक लड़की आई और उसके बाद एक लड़का आके गोली मारा? छे, ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। सीधा गले में गोली मारा। ओ। उस लड़की से बहुत देर तक बात कर रहा था। हाँ, एक लड़की से इतनी देर तक बात किया, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, नहीं हो सकता। हाँ। लड़की दिखने में ग्लैमर थी, लेकिन पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। माइकल, इधर आ जाओ। माइकल इधर आ जाओ। आखिर कौन थी वो लड़की जो यहाँ आई थी? अब तुम ही इससे कुछ पूछ लो, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ तो कुछ बता ही नहीं रहा है। सुन पॉलसन, सुन
क्या हो गया तुझे? मैं आ गया हूँ यहाँ। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, यही डायलॉग तो बोल के हम लोग भी उठा रहे थे, लेकिन ये कुछ बोला ही नहीं। क्या क्या? मैं आऊँ। हाँ, आ गया। बता। लड़की ऊटी, ऊटी। ओ, जो लड़की आई थी उसके साथ ऊटी जाना है। अच्छा। हाँ हाँ। तुम कभी? हाँ भाई। ऊटी, ऊटी। हाँ। प्लस टू। नैन्सी। कौन? नैन्सी। हाँ। गर्भवती, नो अबॉर्शन, अभी उसकी उम्र 24, पोते की उम्र 5 साल। पापा, ग्रैंडपा। की ठंडी में एक पेड़ के बीच में बुरे वक्त में हुई गलती से तुम क्यों डरते हो? एक दिन में कोई बाहर से आके किसी को ये बोले कि मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम मेरे बाप हो, तो इस पे विश्वास कौन करेगा? हे, 12 में ये घटना हुई, तब उसकी उम्र 17 साल थी और 18वें साल में उसने बेबी को जन्म दिया। मेरे गणित के हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ सही है? दोनों का हिसाब देखे तो वो लड़की माइकल की ही है। अगर उसकी शादी 18 साल में हुई है तो उसका एक 5 साल का बच्चा है तो सही है। फिर 24 साल की लड़की से भाई की शादी तय हो गई है और 24 साल की इनकी बेटी भी है और 5 साल का पोता भी है। चुप। तुम दोनों इसको डरा रहे हो क्या? माइकल, सच में हुआ क्या था? सच में उस दिन शाम को 4 या 4:30 बजे मैं और वो मिलके बस कर। 4 या 4:30 बजे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। ये क्या? उसको आने दो, उसको बोलने दो, उससे डरने का नहीं। वो तुमको धमकाने की कोशिश करेगी लेकिन तुम चिंता नहीं करना, मंगनी होने दो। वो वापस आएगी क्या इलियास भाई? वापस आएगी, सबूत होगा तब ना आएगी। तुझे डराने के लिए मुझे लगता है उसके पीछे किसी का हाथ है। सही कहा। बहुत वजन है, रखो 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 रखो। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हेलो, ये सब मेरे दोस्त हैं। चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं। चलिए, थैंक यू, चलता हूँ। बाय बाय। थैंक यू। ओ, लगता है पता चल गया इसको। प्रेज द लॉर्ड फादर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे देर हो गया आने में, मंगनी होगी? नहीं नहीं नहीं, कपिल नहीं आया क्या? नहीं, वो लॉरेंस मरे तो बेल मारने के लिए रुका था। अरे, मर गया क्या? मरा नहीं, लेकिन कुछ ही वक्त में मर जाएगा। हाँ फादर। हाँ, ये लो, टेस्ट करो। मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारी किस्मत में ये पीना लिखा है। प्रेज द लॉर्ड फादर। जीसस प्रेज द लॉर्ड। तुम हमेशा खुश रखे, आशीर्वाद दीजिए फादर। खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट। हाँ, हेलो। गया? मैंने कहा था ना, रुको रुको रुको, तुम वेट करो। हाँ, आप सबको मैं एक जरूरी खबर देना चाहता हूँ। बुरी खबर है, कोरिकायल में रहने वाला लॉरेंस अब हमारे बीच में नहीं रहा। अब ये इंगेजमेंट खत्म होते ही कल हम उसे दफनाएंगे। यहाँ पार्टी में आए हुए सभी लोग लॉरेंस के लिए प्रार्थना करें। कल चाय और पापड़ वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? आशीर्वाद दीजिए, खुशी भरी जिंदगी जियो। और एक फोटो हो जाए। रेडी। हे जीजस, इसकी शादी हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, ये सेटल हो जाएगा, क्यों माँ? हाँ, हम दोनों मरे तो भी खुशी होंगे। सही कहा ना मैंने, तुम ही बताओ।
ये मोली आंटी है। हेलो। ये मेरे नानी की बहन की बड़ी बेटी है। नमस्ते जी। नमस्ते। ओ, तो ये कोरिया कोसे अंकल राइट। एक फोटो। बहुत चला। खाना खा के जाइएगा। ओके बाय बाय। कोरिया अंकल को आप कैसे जानते हो? हाँ, वो अंकल की बेटी से मेरी पहली शादी की बात तय हुई थी। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया था। अपनी बेटी के जेवर तक बेच के खा गया ये, ऐसी है ये फैमिली। बहुत अच्छी फैमिली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते। अरे जानती हूँ, इन्होंने बताया था। एक फोटो हो जाए। फोटो। वो तुम्हारा नंबर नहीं था तो इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। शादी? शादी तो जल्दी होगी। अच्छा ये बता, तेरी शादी कब होने वाली है? अभी बहुत टाइम है। अभी तो सफेद हो गए। सिर्फ बाल सफेद है, मन अभी भी जवान है। जो भी हो, मैं थोड़े दिन तक यहाँ हूँ। हाँ ठीक है, बाय। चलो खा के जाना जरूर। जैसा तुमने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कूल है। अरे शिवा, शिवा तू कहाँ था? इतने दिन से फोन भी नहीं किया और इतनी जल्दी जा भी रहा है। अरे रुकना, खाना खा के जाना। जीवन में खाना खाने के लिए और भी मौके मिलेंगे दोस्त। अरे अरे रुकना, खाना खा के जाना। हाय, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसको पकड़ो। अरे बाप रे। अरे तुम क्यों लियो, मुझे दो। हेलो बेटा। एक फोटो हो जाए। ये कौन है जी? तुम्हारी कोई होगी ना? नहीं तो मेरी कोई रिश्तेदार होगी लगता है। माइकल, माइकल। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। हेलो ग्रैंडपा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। मेरी बहन की शादी और मंदिर का त्योहार एक साथ मना रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार कोई काम के नहीं। मेरी बहन की शादी मैं ही करवा रहा हूँ, उत्सव भी मैं ही देख रहा हूँ। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए तो मेरी सारी टेंशन खत्म, उसके बाद मैं अपना देखूंगा। हाँ, वो माइकल की शादी से पहले शिवा भाई आपकी शादी होनी चाहिए। शिवा भाई, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ शिवा भाई, डिसाइड करना चाहिए। माइकल,
रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने डर की वजह से जगह खाली कर दी होगी। गांव वालों और घर वालों को पता चल जाएगा तो आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। 24 साल की बेटी है और 5 साल का पोता भी है। भाई 24 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 16 साल के लड़के ने 16 साल की लड़की को गर्भवती बना दी है, उसमें उस निकाहनी की तरह है। भाई मुझे लगता है सचमुच ये कहानी आपकी है। तेरे को मैं जान से मार दूंगा, चल भाग यहां से पागल। वो गया क्या? हाँ। माइकल, हाँ अगर वो आ गई ना तो उसको मेरा टेस्ट लेना चाहिए। वो क्या, आपको टेस्ट करेंगे? अरे मेरा नहीं यार, उसका डीएनए टेस्ट लेंगे। ओ डीएनए, डीएनए ही है, इससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर नेगेटिव आया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। अगर पॉजिटिव आ गए तो? तो तू समझ लेना कि तू ही उसका बाप है। मतलब फिर तुझे ही उसको पालना पड़ेगा। क्या हुआ माइकल? माइकल, अरे भाई बेहोश हो गया क्या? अबे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो हमारे छोटी पर शक करके यहाँ ढूंढते हुए आए क्या? आई तो है, लेकिन छोटू अब उसके पीछे पड़ गया है, उसके बारे में पूरा पता लगाने गया है। अभी वो उसके पीछे ही गया है। हाँ भाई, तुम्हारा वो बुलेट लेके गया है। मैडम, 2-3 दिन से आप वही होटल में ठहरी थी क्या? वहाँ कोई भी गेस्ट आए तो मेरी गाड़ी में लेके जाता हूँ। आप यहाँ किससे मिलने आई हैं मैडम? माइकल से। अच्छा, माइकल भाई से, वो हमारे पहचान वाले हैं। आप उसे जानते हैं? उन्हें यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें जानता ना हो। मेरा घर वहाँ नहीं है, पर मेरे मामा का घर वहीं पर है। इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? इस रास्ते से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर में ही घर पहुँच जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता है ना। मेन रोड से जाएंगे तो 1 किलोमीटर पड़ेगा। वो बात तो सही है, लेकिन 0.5 किलोमीटर खेत देखने में चला जाएगा, इसलिए 1.5 किलोमीटर। अरे लगता है कोई गुंडा है क्या मैडम? ये तो खुद ही गिर गया। अयो मेरा पैर दब गया। अरे बाप रे, लगता है टूट गया। कोई मेरी मदद करो। अरे आओ यार जल्दी। अरे बाप रे, बचाओ। उठो उठो उठो। हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम किसी भी तरह से, हाँ भाई, इस बाइक को उठा दो। ठीक है। गाड़ी से गिरना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन ये झूठ मूठ बोलकर जो मुझे तुम बेवकूफ बना रही हो, ऊटी की बात करके जो तुमने मुझे ये सब कहा है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ठीक नहीं होगा, वरना काट के नाले में फेंक दूंगा और तुमको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। चुपचाप चली जाओ। नहीं गई तो? नहीं गई तो तुम्हारा गला घोट के तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे बच्चे का टुकड़ा करके काट के फेंक दूंगा। तुम पागल हो, और तुम्हारा शैतान बेटा भी, पता नहीं कहां से चले आते हैं, नाले में फेंक दिया। आराम से नहीं बोल सकती थी। आंसर। सच में तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत हो। मैं तो बस बात ही कर रहा था, तुम लोगों ने मुझे नाले में फेंक दिया। क्या हुआ? मेरी, मैं चलता हूँ। खाना खाकर जाइए। मैं बाद में खा लूंगा। मम्मा, मैं बाद में आके खाता हूँ। सुनो बेटा, तुम मेरे फोन में रिचार्ज जरूर करवा देना, डेली 1.5 GB मिलेगा। ऑफर है बेटा। ऑफर है। मेरी, कौवा तुझे बुला रहा है, इसको कुछ खिला दे। अच्छा मैडम, चलता हूँ।
चलो। ये लड़की और ये बच्चा कौन है? कौन हो? मेरा नाम शेरिन है और ये मेरा बेटा है। कहीं देखा सा लग रहा है। हम लोग यहाँ रहने आए हैं। है? आपका बेटा आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। कहाँ जा रही? यहाँ तमाशा मत करिए आप। है? इससे परिवार की बेइज्जती ही होगी। विकी, गो इनसाइड। सुनो, कौन है ये लोग? मैं आपसे बात कर रही हूँ दीवारों से नहीं। कौन है ये लोग बताओ ना। ये उसका ही घर है। माइकल ने हमको धोखा दे दिया लगता है। हे मेरे जीजस, मेरे बेटे की शादी की तारीख भी तय कर दिया, अब क्या होगा? अब यहाँ बैठी क्यों हो? उठो, जाके रास्ता निकालो। अरे मैं ही जाके दोनों को बाहर निकाल दे, तुम बैठे रहो बस। अरे अरे अरे, पागलपन मत कर। हमने इसको अगर बाहर कर दिया तो गांव वालों को बुला के वापस अंदर चली जाएगी और हम लोग बाहर। बुलाओ उसको, अभी बुलाओ उसको, भगाओ इस मुसीबत को। तुम इतना चिल्ला रही हो, अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो सब खत्म। हटो, मैं ही उसको बुला के लाती हूँ, अभी बताती हूँ उसको। सब खत्म हो गया। सुनो बेटा, पुराना रिचार्ज बिल्कुल मत करवाना, 200 का करा दो, नया ऑफर आया है। अरे उससे भी बड़ा ऑफर घर में आई है। क्या हाल है माइकल? तुम्हारे चेहरे के हिसाब से बहुत टेंशन में लग रहे हो। करेक्ट। तुम पहले से ही शादीशुदा हो, ये बात तुमने अभी तक बताया नहीं हम लोगों को। और तो और, तुम्हारी 24 साल की लड़की भी है और साथ में एक 5 साल का पोता भी है, तुमने ये बात हमसे छुपाया? साजी, क्या हुआ इलियास भाई? एक कहानी तो उसके सर पे चल ही रही है, अब तुम्हारी दूसरी कहानी को ये सुनकर कंफ्यूज हो जाए क्या? ये क्या तुझे पागल लगता है? मैं पागल हूँ? अरे मैं दूसरे की कहानी नहीं, मैं इसकी कहानी सुना रहा था। इसकी माँ की कहानी? अरे यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ो। अयो 100 रुपए देना, ये टिप लो जाओ, ये बहुत लंबी कहानी है। भाई भाई वो गई भाई। देखा ना माइकल, मैंने कहा था वो नहीं आएगी। नहीं आई ना? अरे वो माइकल भाई के घर गई है। तो तूने रोका क्यों नहीं उसे? मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की, देखो ना मेरा क्या हाल कर दिया। उसने मुझे किक मार के नाले में फेंक दिया। लगता है वो ब्लैक बेल्ट है। और उस छोटे लड़के के बारे में तुम्हें तो पता ही है। अभी वो तेरे घर पे सब कुछ बताने के लिए आई है। हाँ? अभी मत जाना तू। अभी भी नॉर्थ इंडिया जाने का ट्रेन मिलेगा, बोलो तो मैं स्टेशन छोड़ दूं। अभी क्या करे इलियास भाई बता। अच्छा तो मेरी बात सुनो। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। हाँ वो घर में गई तो क्या कह के अंदर गई ये जानना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारी बेटी कह के अंदर गई तो तुम घर में मत जाना। अगर गए तो तेरा बाप तुझे मार के घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं मेरी नजर से देखूं तो उससे बचने के लिए हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ? लेकिन अब कौन सा रास्ता अपना है? चल चलो तेरा। हेलो, मैं छोटू बोल रहा हूँ। ओ, समझ गया। मैंने इसलिए फोन किया कि वहाँ पर कोई आया है क्या? हाँ आया है, तुम्हारा प्यारा बाप यहाँ पर आया है। सुन छोटू, माइकल को समझा दे, फोन बंद करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी बेटी और उसका पोता आया है, समझा? ठीक है ठीक है, आपने जो कहा मैं माइकल को बता दूंगा। माइकल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो लड़की और उसका लड़का दोनों घर पे गए हैं। ये तुझे कैसे मालूम? मैंने चलाकी से तुम्हारे पापा से फोन पर बात कर ली। ये तुझे कैसे मालूम?
मैंने पूछा कि वहाँ पर कोई आया है क्या? अबे तेरी एक लात मारू क्या है? अरे वो लड़की और बच्चा घर में है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो तो नहीं जानते ना। भाई आपने फोन ऑफ करके रखा है ये उन्हें मालूम है, बस आप चिंता मत करो, अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। जीजस अब मैं क्या करूँ? जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तू घर जा। अभी मैं क्यों घर जाऊँ, मेरी बीवी और बच्चे थोड़ी ना है वो। तू चल हट यहाँ से। माइकल डर मत तू, मैं तेरे साथ हूँ। चिकन नहीं मिलेगा क्या मम्मी? विकी यहाँ यही मिलेगा, आज यही खा लो। ये लोग पूर फैमिली है क्या मम्मी? आप आ गए? हाँ? फैक्ट्री से आप आ गए, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ मैं जल्दी छूट गया। ओ बैठ जा, तुम खाना खा लो। नहीं 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 चलो बैठो। हाँ हाँ बैठो। ओ थैंक यू। तुमने हाथ भी नहीं धोया ना? हाँ वो खाने के बाद धो लूंगा। सुनो हाँ, तुमने इनको नहीं देखा? अरे मैंने तो नहीं देखा, ये लोग कौन है? खा लो फिर मैं बताता हूँ। ग्रैंडपा मुझे पापड़ दो। तुमने सुना नहीं, बच्चे को पापड़ चाहिए बेटा। आता हूँ मैं। सुनो हाँ, अब तुम हाथ धोकर ही आना। हाँ मैं बेडरूम में ही जाके हाथ धो लूंगा। सुनो हाँ, जल्दी मत सोना तुम। हाँ, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, 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 कहाँ है? कहीं तो होगा। कहीं से लड़का और बच्ची घर के अंदर आ गए, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी को कैसे मालूम? अरे अरे ओ, पिताजी ज्यादा नाटक मत करो, मैं आया हूँ। अबे तू छोटे शैतान, यहाँ पर क्यों आया तू? हैं? लड़की और बेटा घर आए हैं। हाँ। आपको टेंशन ना हो, इसीलिए इलियाज भाई ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कूल, हम दोनों मिलकर यहाँ शराब पियेंगे। आपका मन नहीं तो मत पीना। अबे चुपचाप रहे, अभी मेरा बाप आने वाला है, समझा ना, चल निकल यहाँ से। हाँ ठीक है। कोरा सर आ रहे हैं। मरवा दिया। हे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। तुम परेशान मत हो। कौन? तुम्हारी गलतियों की सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? तुम्हारी इसी हरकत से हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद हो रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसा तुमने क्यों किया, इसका जवाब तुमको देना है। पिताजी वो बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे चाइना वाले ने बनाया, गोली मत मारना। हम एक लड़की एक बच्चे को लेकर के यहाँ आती है, वो लड़की और वो बच्चा कौन है तुझे बताना होगा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। बोल। कोरा सर, गोली एक है या दो है?
दूसरी तेरे लिए। हेलो हेलो, मैं यहाँ आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? यहाँ आने के बाद फोन किया था, पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। शायद उस समय मैं मीटिंग में था। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके ठीक है, बच्चे का भी ध्यान रखना। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय। ग्रैंडपा होगा तुम्हारा बाप। अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? तुमको यहाँ पर ब्रश करने के लिए किसने बोला? चलो अंदर, घर के अंदर चलो। मैरी मैरी, यहाँ सब लोग परेशान करते हैं। मैरी मैरी, अरे अरे अरे, आओ तुम। क्या हुआ? ओह हो, क्या सुबह सुबह लगा रखा? अरे सुबह सुबह इसको बाहर किसने भेजा है? ब्रश करने के लिए बोलो ना, इसको नाश्ता वास्ता करवाओ। लो लाओ दो मुझे। आ बेटा, मैं तेरा मुंह धुला के तुझे नाश्ता करवा देती हूँ। आ चलते हैं। अरे है? ये मैरी को क्या हो गया? सुनो माइकल, कल रात मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। मैं तो तुम्हें डफर समझती थी, लेकिन तुम तो खिलाड़ी निकले। कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी चालाकी इस घर में नहीं चलेगी, समझी? मैं यहाँ कोई चालाकी दिखाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने पापा को ढूंढने आई हूँ। कौन है, कौन है तुम्हारा पापा, बताओ कौन है? हाँ, क्यों पापा, आप तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं आपको कहानी सुना के बोर नहीं करूंगी। इसे ले जाके डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको मेरा सच पता चल जाएगा। लीजिए, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइकल माइकल, माइकल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें जो दो लोग परेशान करने आए हैं उन्हें भगाने की तरकीब मुझे मिल गई। डीएनए, उसका सिर्फ एक बाल काफी है, आज ही टेस्ट करने के लिए दूंगा मैं। बाल कैसे निकालना है वो आइडिया लेकर आया हूँ मैं। और आइडिया? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं करूंगा, तुम यही रहो, मैं अभी आया। अरे अरे, बाल तुम फ्री हो तो यहाँ आना, बाकी बातें आने के बाद बताऊंगा। ओके रखता हूँ। बाल निकालने में बहुत तकलीफ होती है,
क्यों, क्या हुआ? वो रोने लगी? बाल मेरे नोचे जाएंगे तो भला वो क्यों रोएगी? उस शैतान ने मेरा बाल उखाड़ा। डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप ही झेलो उनको। मैं तो चला यहाँ से। सुनो, बाल उखाड़ लिया मेरा। चिकन है। सुनो, आज से तुम सब यहाँ पीना बंद करो, समझ गए ना? ये बात तुमको तुम्हारे होने वाले पति ने बोला है क्या कि पीना बंद करवा दो? हंसना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रही। हम लोग जब खुश रहते हैं ना तभी थोड़ा बहुत पी लेते हैं, सही कहा ना? सही है शिवा भाई, सही कहा। शिवा भाई। हाँ। क्या हुआ? माइकल के घर पर एक लड़की और एक बच्चा है, लगता है माइकल का उससे कुछ संबंध है। सुनो, फालतू की बातें मत करो। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पूजा तुम अंदर जाओ। भैया ये झूठ बोल रहा है। पूजा तुम अंदर जाओ। शिवा भाई, हमें एक अच्छा मौका मिला है, उसके और उसके बाप को इस गांव से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। 1 2 का 4, 4 2 का 1। ओके बेबी, चुल चुल चिल्ला के कजरी सुनाए, डोल डोल कौआ भी। ये कैसा ड्राइवर है, इंसान को देखकर भी ये गाड़ी नहीं रोक रहा है। अच्छा, ऑटो में दूर लेकर आया है। हाँ, ये त्रेसी का भाई होगा, ये भी पागल है बिल्कुल। सर, विंसेंट प्रेस से कार्ड देने के लिए आया हूँ। ओ, वेडिंग कार्ड, गुड गुड, लाओ। सर, आपका कार्ड। आह, बहुत अच्छा है। हाँ, डेल्ला और माइकल, बहुत अच्छा। फंटास्टिक। हेलो, यस, मिस्टर लुइस बोल रहा हूँ। हाँ, यस, अरे कहाँ हो तुम, इधर आओ। अरे क्या हो गया? सुनो, माइकल की लवर उसका बच्चा उसके घर में आए हैं, मुझे किसी ने कॉल करके बताया। अरे, उन लोग उसी के घर में रहते हैं। कौन है पूछा तो फोन कट कर दिया, वापस फोन किया तो स्विच ऑफ बता रहा। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी बेटी की जिंदगी है, जाके सच पता करो। नहीं, माइकल ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर 100% भरोसा है। कोई भी कॉल करके कहेगा तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? शादी के वक्त ऐसे कॉल आना मामूली बात है, चिंता मत करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शक हो रहा है क्या त्रेसी? अगर ये सच हुआ तो? तभी तो कह रही हूँ जाके पता करो। जाके देखता हूँ मैं, बेटी की शादी है, रिस्क नहीं उठाना। तो सर। हाँ सर, मैं चलूँ? हाँ, काम हो गया, जाओ। थोड़ा चाय पानी मिल जाता। सुनो, इसको एक कप चाय दे दो। अरे क्या कर रहा है तू? ये लड़की ने तो तंग करके रख दिया। अब आप जाके आराम कर लीजिए, मैं यहाँ सारा काम कर लूंगी। आपके घुटने में दर्द होगा ना? मुझे कोई घुटने में दर्द नहीं है। सारे गंदे कपड़े कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं धो दूंगी। मैं अपने कपड़े खुद ही साफ कर सकती हूँ। मैंने दादी माँ को चावल दे दी है, और कोई काम है तो बताइए। हैंसर, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर जाके खेल, चल। सॉरी, निकल, बाहर जा, जा जल्दी। बेटा, हे सुनो, हे तुम नाराज हो गए क्या बेटा? सॉरी, तुम अंदर जाके खेलो। अब तो मैं आपको किसी करूंगा। कल नहीं परसों डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो भाई, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कोरा सर के सामने खड़े हो जाना, गलती मान लेना और चुपचाप चाइना बंदूक से गोली खा लेना। इस जन्म में भले ही अलग हो, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे।
लेकिन उस वक्त ये चाइनीज चीजें चलेंगी क्या? चाय नहीं। मुझे तो शैतान। क्या चाय है, इस चाय को पी के मजा आ गया। बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? कल ही मिलेगा। आज तक भाई किसी भी चीज में नहीं जीते, लेकिन इसमें जरूर जीतेंगे। जो हारते हैं उससे सीखना चाहिए, उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये भी ना, सातवीं क्लास में चार बार पढ़ा लेकिन फिर भी कोई कहानी याद नहीं। इसने आपको भी कोई कहानी सुनाई क्या? जा जाके गाड़ी साफ कर। वो ड्राइवर है ना, पिताजी ने उसे दूसरे काम के लिए भेजा है। तू जा जा करके गाड़ी साफ कर, चल। हैंड्स अप। मेरी चाय गरम है क्या? ग्रैंडपा, ग्रैंडपा हार जाएंगे क्या? वो ग्रैंडपा तुम्हारा बाप है, जाओ उधर जाके खेलो। अरे! और तुम जाके गाड़ी साफ करो। हाँ ग्रैंडपा। तेरी तू भी चालू कर दिया, शैतान कहीं का। हाय छोटू। हाय अंकल। अरे बाप रे, माइकल को बताना होगा। अरे अंकल इस तरफ कैसे? क्यों, उस तरफ भी रास्ता है। आप सुबह सुबह आ गए इसीलिए पूछा। ये बाल्टी पकड़िए, वो मैंने सिक्के को बाहर किया था, उसको पिंजरे में डाल के आता हूँ। नहीं तो वो घर के अंदर घुसकर घर में जितनी भी चीजें उन सबका नुकसान कर देगी। तब तक आप पेड़ में पानी डालिए, मैं आता हूँ। अंदर आते वक्त दरवाजा तो नॉक करके आया कर। हाँ, मैं स्लो मोशन में आगे से आते वक्त दरवाजे में सर पटक के आऊंगा। मैं बताने आया था, वो टकला बुड्ढा बाहर है। कौन बुड्ढा? तुम्हारा होने वाला ससुर डिलन का बाप। रुको रुको रुको, अभी बेहोश मत होना, अभी बहुत काम करना है। तुम जल्दी तैयार हो, मैं आता हूँ। उन बच्चों को जाकर के छुपाओ, जल्दी जा। हाँ तुम भी चलो। ये नया आदमी कौन आया है, वो भी सूट बूट में? लुईस सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ये आइए आइए आइए। अरे थैंक यू, चलिए ना। अरे वहाँ नहीं, अंदर आइए। अरे कहाँ गए उन लोग? हाय माइकल। हाँ बैठिए बैठिए। अरे बेटा जरा बाल्टी को अंदर रख देना, और लड़की और बच्चा को छुपा देना। थैंक यू अंकल, थैंक यू। इसे बाहर रखो, लड़की और बच्चों को अच्छे से छुपा देना। हाय हाय, मैं इसी रास्ते से जा रहा था, सोचा आप सबसे मिलके जाऊं। क्यों माइकल दुखी लग रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बहुत खुश है। हमारा वेडिंग कार्ड आ गया है, बहुत कलरफुल है, उसमें टिंग 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 म्यूजिक लगा है। ऐसा? हाँ। यहाँ कल छपवा के कल मिल जाएगा। हाँ। ये क्या लाया? क्या? कुछ नहीं, सुअर बतख बकरा मुर्गी, ये चार आइटम होगी बेटी की शादी में। बेटी की शादी बार बार थोड़ी होती है। आ गया। वो एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शादी में इतना आइटम बहुत है ना? बहुत है। हाय अंदर चल, अंदर बैठ। Hey, सुन सुन इधर। क्या है भाई? अबे गोनी के अंदर अपने बाप को भर के लाया था क्या? उस छोटू को बोरी में छुपाने के लिए मैं किचन में गया था, उस बोरी के अंदर गाड़ी का सामान रखा था। माँ ने उसको बोला बाहर रख के आओ, तो मैं क्या करता? अभी जाके मैं छोटू को पकड़ता हूँ। मैंने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया है। चल अभी। अरे नहीं नहीं, धीरे धीरे। हाय अंकल। माइकल का कोई दुश्मन है क्या? सिर्फ इसके पिताजी ही हैं। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या है कि सुबह किसी ने मुझे फोन करके कहा
कि माइकल की 24 साल की बेटी और 5 साल का पोता है। अच्छा हुआ 5 साल का पोता कहा। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा माइकल किसी के साथ भाग गया। वाइफ का फोन है। अच्छा सुनो, जैसा तुम सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है, किसी ने हमें गलत खबर दी थी। अरे क्या हुआ? मैं गाना गा रहा था। क्या हुआ? ऐसे कौन गाता है? तो अभी आप निकल रहे हो अंकल? हाँ तो मैं निकलता हूँ, कल से हम शादी के काम में लग जाएंगे। हाँ ओके चलता हूँ, बाय बाय। जी जी जी। तो शादी में कम से कम 150 लोग आएंगे, अच्छे से इंतजाम कर दिया। इसको तुम देख कर बताओ कि ये क्या है। भाई आप डरना नहीं, ये आ गया रिजल्ट। मैंने कहा था ना उसे कोई लेकर आया है, इसीलिए उससे पढ़वाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। समाधान हो गया, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है माइकल। क्या लिखा है? इलियास पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया, इसीलिए तो कोई परेशानी नहीं है। तुम लोग पॉजिटिव एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा। वो बात नहीं है, तुमने क्या कहा? वो लड़की माइकल भाई की ही है। ओहो, अब तो तुम गए काम से। वो मेरी बेटी ही है भाई। मैं जा रहा हूँ, ले लो अपनी जीप की चाबी। किसी भी हाल में आप आत्महत्या के बारे में मत सोचना, मैं फिलहाल जाता हूँ। अभी तक हमें केवल शक था, लेकिन अब क्लियर हो गया। अगर ये बात घर में पता चल गई तो माँ बाप में एक मरेगी, ये तो पक्का है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, पिछली परले में ही मर जाना चाहिए था। अब एक ही रास्ता तुम्हारे पास बचा हुआ, तुम सच सच सब कुछ बता दो। हाँ भाई, ये तो पॉलसन बताएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पहली बार में इसके बाप ने मेरे सर पे बंदूक तान दी थी। अरे रुको रुको, तुम लोग इसको फालतू में डराओ मत। इसकी 24 साल की लड़की और 5 साल का पोता अभी इस वक्त इसके घर में है। सुन माइकल, तेरी 24 साल की लड़की और 5 साल का पोता है, लेकिन तूने ये गलती जानबूझ करके नहीं की, लेकिन तुझसे ये गलती से हो गई है। लेकिन तूने बगैर शादी के किसी लड़की को गर्भवती बनाया, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अब दूसरी शादी करने जा रहा है। इलियास भाई आप फालतू बातें कर रहे हैं। तेरे को मेरी बातें फालतू लग रही? मैं तो समझा रहा था भाई, जैसा तू पादरी को बेवकूफ बनाता वो बन जाता, अगर किसी लड़की को बनाया तो 5 साल के लिए अंदर जाएगा भाई, चर्च फादर। हां सुन, किसी भी हाल में ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माइकल तेरी तो बिल्कुल वाट लग जाएगी। सुनो सुनो, एक बात सुनो, हम लोग 1, 2, 3, 4 ही लोग हैं, ये बात 5वें को नहीं मालूम पड़नी चाहिए, पादरी को भी नहीं। हाँ सुन माइकल, मुझे गाड़ी की आवाज आ रही है, ये बात को यहीं पर क्लोज कर। अबे जल्दी कर, अगर चर्च में किसी को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चर्च में कहने वाला केस थोड़ी है जो फादर बताएंगे। माइकल तुम अब घर जाओ, बहुत रात हो गई है, कहीं घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। माइकल हाँ तुम यहीं पर मिलोगे, मैं जानता था। माइकल मैंने कोई बात सुनी थी वो सही है, यही जानने के लिए यहाँ पर आया था। तुम्हारे घर में लड़की और बच्चा जो है वो कितने दिन तक छुपे रहेंगे? अगर ये बात बाहर पता चल गई तो तुम उसी से शादी करोगे या जिससे मंगनी की उससे? जवाब दो। खैर छोड़ो इस बात को, तुम और तुम्हारे साथी उत्सव में आ जाना, यही कहने के लिए आया था मैं। पिछली बार तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे मारा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, नहीं तो तुम्हारे उस राज को पूरे गांव वालों को बता दूंगा। देखो इस उत्सव को मैं बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता वहां कोई ऐसी गड़बड़ हो। शिवा
तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो। बस मुझे अब कोई बात नहीं सुननी है। हाँ और एक बात सुन ले, उत्सव के पहले दिन ही मेरी बहन की शादी है। तुम शायद ये नहीं जानते हो, इस शादी में तुम मत आना। भाई शिवा भाई को कैसे समझाएंगे? डीएनए रिजल्ट पॉजिटिव है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्भवती होकर नैन्सी ऊटी से कब यहां पर आई है मैं नहीं जानता। उन हालातों में भी पता नहीं क्यों नैन्सी ने और उनके माँ बाप ने मुझसे क्यों कांटेक्ट नहीं किया ये भी मैं नहीं जानता। वो अमेरिका में कहीं तो है ये मुझे बाद में पता चला। 16 साल का लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अमेरिका में कैसे जाए? एक साधारण लोगों की तरह मैं भी भूल गया। बस यही मुझसे गलती हो गई। अब जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की का साथ में होना जरूरी होता है ना, इसलिए मैं अगले महीने शादी कर रहा हूं। नहीं मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को बेटी कहने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार कहो, एक बार हां कह दो। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। पापा ये देखना। नमस्कार पिताजी। आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं भी आता हूँ, आ जा। हाँ आ जा। अरे आना। मैंने तुमको इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि घर में ऐसी तो कोई बात कर ही नहीं सकते हम लोग। हाँ, तुमने क्या सोचा है? अभी तो शादी करने वाली कोई बात रही नहीं गई है। तुम्हारा समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है। उस लुईस को मैंने बुलाया था और सारी बातें मैंने उसको बताई। पिताजी चुप कर, नहीं तो यहीं पर मारूंगा तुझे। एक लड़की को धोखा देकर दूसरी से शादी करेगा ये नहीं हो सकता। सुन, जिस दिन ढिल्लन से तेरी शादी तय हुई ना, उसी दिन मैं शरण से तेरी शादी करवाऊंगा और करवा के ही रहूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। बाकी लोगों को मैं समझा लूंगा, समझा? जीसस सर। हाँ ये कैसे हो सकता है, ये तो नियम के खिलाफ है, हमें तो पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। इधर आ, बड़ा पुलिस वाला बनता है। तुझे इधर आने के लिए मैंने क्यों नहीं रोका था तू जानता है क्या? तू यहाँ हमारे बीच में बातें जरूर करेगा और मुझसे पिटेगा, ये मैं अच्छे से जानता था। अभी मैं जाता। हाँ जा जा। हाँ भाई, मार के काल लाल कर दिया। हाँ तो शरीन से शादी मैंने ही नहीं तय की है, तेरी माँ ने भी तय की है, और एक बात सुन ले, तेरी दादी भी मान गई है। ये आप क्या कर रहे हो? आपने कुछ गलत सुना होगा। अब इस कार्ड के रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसको जला रहा हूँ। वो लड़की और वो लड़का वहीं पर रहते हैं, मैं सपने में भी ऐसे घर से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। धोखेबाज कहीं के। बाबा आपका दिमाग खराब हो गया है, माइकल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो वो क्या तुमसे कहकर जाएगा डिंग डोंग करने के लिए? ब्लडी फूल। तुमने फोन क्यों किया मुझे पता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझसे मत पूछो, मैं कुछ बता नहीं सकता। तुम मुझे कुछ वक्त दो, उसके बाद हम जरूर मिलेंगे। हम्म?
माँ सब कुछ तैयार हो गया? हाँ, क्या सब तैयार हो गया? माइकल भैया नहीं आए? तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। ये ले। सदा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ मैं यही बाहर ही हूँ, कुछ होगा तो बोलना, ठीक है? ये लो, ये तुम भी लो। हाँ हाँ, तू यही काम करता रहेगा, मुझे मालूम है। अरे वहाँ का बहुत सारा काम बाकी है, जानते हो? अरे ये सब करना हमारा काम है भाई। क्या? यहाँ 10-15 कैन खत्म हो गया, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? 5-6 ज्यादा खत्म होगी। हाँ ये लो, मुझे भी दो। अरे चाचा अभी तो 5-6 पैक पिया आपने। तेरे को क्या प्रॉब्लम है बता, ज्यादा बोल मत, जाके बाहर बैठ। लाओ मुझे और पिलाना। आपका पीने का बहुत अच्छा स्टेमिना है। हाँ। सुन भाई को एक और पैक दे, ऐसा पैक बना के दे कि पीते ही लुढ़क जाए। अरे बेवड़ा लुढ़क गया, पीने से पहले ही लुढ़क गया ये। चलो इसे बाहर छोड़ के आते हैं हम लोग जल्दी से। चलो उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी। हाँ भाई उठाओ उठाओ उठाओ, चलो एक पैक और दे रहे, और दूसरा काम कर जाके। शिवा भाई जल्दी करो, वो लोग आ गए हैं। आ गए क्या? हाँ तू ये उठा ले। हाँ ये सब मैं ले लेता हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। माइकल भाई, भैया तो क्या हम लोग देखते रहेंगे? माइकल भाग लो यहाँ से। माइकल भाई वो भाग गया, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। पल्सन तेरे घर पे जो लड़की और बच्चा है वो तेरा ही है क्या? नहीं। तो बेटी और पोता है क्या? नहीं। तुमने ये साबित कर दिया, ऐसे ही मेरी बहन तुझे भाई नहीं मानती है। मैं तो सिर्फ उसका नाम का भाई हूं मेरे दोस्त, उसने मुझे सब बता दिया। भैया के घर में एक लड़की और बच्चा है, ये बात जानने के बाद मैंने उनसे फोन पे बात की। अब कहाँ है भैया? मैं शॉप में हूँ, कुछ काम है क्या? भैया मैं आपसे कुछ पूछूं, सही सही बताएंगे? मैंने आज तक तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? आपके घर में लड़की और बच्चा कौन है? वो मैं बाद में बताऊंगा। वो तुम्हारे हस्बैंड का फोन आता है कि नहीं? भैया बात मत बदलिए, मैंने जो पूछा है आप वो बताइए। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे शक हुआ भैया। और सद्दाम भाई भी सबसे छुप रहे थे, मैं माइकल भाई के घर जाके उस लड़की और बच्चे की सच्चाई जानने की कोशिश की, तब सद्दाम भाई मुझसे मिलने आए। तुम्हें शिवा की ये बात मालूम चले, माइकल ये नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। पर इसमें माइकल का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस पे आरोप लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, ये बात किसी को नहीं बताओगी। शेरू मेरे को मिलने के लिए बुलाई थी, एक जरूरी काम है, कुछ खास बात करनी है। यही बात करने के लिए मैं उसके होटल पर उससे मिलने गया। सदा जी हाँ अंदर आइए जी। बैठिए। आप कुछ पियेंगे? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कौन हैं यही जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। एक मिनट। ये फोटो आपने पहले कभी देखा है? ये तो मेरे स्कूल का ग्रुप फोटो है। इसमें सेकेंड रो में मार के आदमी को देख रहे हैं ना, ये कौन है मैं जानना चाहती हूँ। ये तुम क्यों जानना चाहती हो? जिस पे मार्क लगा है मैं उसकी बेटी हूँ। क्या बेटी? जी। इस फोटो में एक लड़की के ऊपर भी मार्क किया है, नैन्सी, वो मेरी माँ है। माँ ने मरने तक मुझे नहीं बताया कि मेरे पापा कौन हैं। ऊटी में पढ़ाई करते वक्त जो गलती हुई थी मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। मम्मी की पेटी से ये मुझे ग्रुप फोटो मिला, बैच के ग्रुप फोटो में
सिर्फ इन दोनों की शक्ल पे मार्किंग की गई है। उसमें से एक तो मेरी माँ है और दूसरे मेरे पापा हो सकते हैं, ये मुझे पक्का यकीन है। मैं ये फोटो लेके ऊटी भी गई थी। ये मैच तो सही है, ये मार्क वाला व्यक्ति कौन है ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? बहुत पुरानी तस्वीर है ये, मुश्किल है बेटा। लेकिन इस बैच के एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, उसका नाम सद्दाम है। इस बैच के बारे में वही बता सकता है। FB पे सर्च की तो ऊटी में पढ़ने वाले सद्दाम सिर्फ आप ही मुझे मिले, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ, मुझे यकीन है। मुझे मेरे पापा चाहिए। किसी भी कारण से सच्चाई मत बताना। वो यहाँ फ्रेम लेकर आई है, वो किसी भी तरह शिवा को ढूंढ लोगी, ये देख लेना। शिवा का नाम किसी भी कीमत पर मत बताना। उसकी बहन की शादी तय हो गई है, अभी अगर ये बात सबको पता चल गई तो शादी टूट जाएगी यार। पहले ये शादी हो जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ इन सब चीज़ों का सलूशन निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर यह शादी रुकनी नहीं चाहिए। पर अब हम करें क्या? वो माँ किया हुआ फोटो मेरा ही है, ये तुम्हें कहना ही पड़ेगा। अरे तू पागल हो गया है, वो घर आ जाएगी। आने दो, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वो बोली है शिवा की बेटी है। ये शिवा की बेटी है, ये प्रूफ मिलने तक उसे यहाँ मेरे घर पर रहने के लिए भेजो कैसे भी करके। उसकी बहन की शादी होने तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वो शिवा की बेटी है। शादी होने के बाद हम कुछ ना कुछ करेंगे। फिर भी माइकल। फिर कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। शिवा का नाम खराब ना हो इसलिए माइकल ने अपना नाम बताया। तभी DNA टेस्ट के लिए माइकल ने शिवा के सिर से एक बाल निकाल लिया। तेरा बाल तो सफेद हो गया। DNA टेस्ट की रिपोर्ट से यह पता चला कि वो शिवा की बेटी है, लेकिन अभी तक माइकल ने यह बात किसी को नहीं बताया है। बस वो यही चाहता है कि एक बार उत्सव और तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए, तो तब तक ये सारा इल्जाम माइकल अपने सर पे ही रखेगा, फिर शिवा को बोलेगा। लेकिन शिवा को लगता है कि ये माइकल की ही बेटी है, लेकिन ये सब बात का फायदा विजय उठा रहा है, दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करके लड़वा रहा है। और शिवा भी उसी की बात सुनता है और माइकल के पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है बिना सोचे समझे। और माइकल बेचारा किसी को बताए बिना ये सब कुछ सहता आ रहा है। अब तुम ही बताओ कि इसमें सही और गलत कौन है, लेकिन सब कुछ माइकल ही झेल रहा है। अगर आपने अभी भी उनको दुखी किया तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। माइकल। हाँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर वो तुम्हारे घर में आ जाती तो पूजा की शादी में रुकावट आ जाती और ये हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों को ये सब कदम उठाना पड़ा। सॉरी माइकल। अरे यार ये सब तो चलता रहेगा, झगड़ा प्यार जिंदगी इसी को कहते हैं। मैंने डिलन को सारी बातें बता दी है और अब वो सपनों से निकलकर अपनी जिंदगी जी रही है और अब वो वहां पर है। मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं सबको ये बता दूंगा वो मेरी बेटी है। वो और उसका बेटा कल जाएंगे, उसे लेने के लिए उसका पति आया हुआ है और अभी वो लोग जाएंगे और फिर बाद में आएंगे, फिर उन्हें बताएंगे कि तुम उनके पापा हो, पर अभी उन्हें जाने दो। शिवा ये सारी बातें हमें और डिलन को ही पता है और किसी को नहीं, और किसी को बताना भी नहीं है। सुनो माइकल, शिवा अभी कोई लफड़ा मत करना। नहीं पिताजी, पहले की गलत फहमियां दूर करने के लिए आया है शिवा। अच्छा झगड़ा सॉल्व हो गया। ग्रैंडपा।
बच्चू इधर आइए। ग्रैंडपा भाई हैं और कोरा सर उससे भी आगे हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए चलिए आइए इधर। सर आई एम क्रिस्टी, आप यहाँ पर आए हमें खुशी हुई। मुझे भी, आपकी उम्र बहुत कम लगती है इसीलिए मैं आपको भाई कहकर पुकारूंगा। इसको पता चला इसके पिता जिंदा हैं, इसीलिए ये आपसे मिलने के लिए यहाँ आई और आप मिल भी गए। ये मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हैं सद्दाम और शिवा। थैंक्स ब्रो। बेटी और बच्चे को कुछ दिन के बाद लेके जाना। मेरी बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने दो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, अब इसका स्कूल खुल गया है और मुझे मेरे बिजनेस को और आगे ले जाना है और इतनी दूर बार बार आना पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ दोबारा आना मुश्किल होगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे ये बात मेरे माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए, वो लोग बुजुर्ग हैं, ये बात वो सहन नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडपा। बेटा ये बच्चा भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। मानता हूँ कि ये लोग इतनी दूर से बार बार वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम तो इनसे मिलने जा सकते हैं ना। नहीं तो क्या, इतना इमोशनल हो रहा है। ग्रैंडपा। हमारे निकलने का वक्त हो गया है। हाँ, माँ खाना तैयार कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। आ जा। माँ खाना तैयार हुआ क्या? चलो आ जाओ। आ जा। अच्छा चलता हूँ। हाँ, ये क्या, सब यहाँ इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? ये मेरी बेटी की तरह है और ये मेरे पोते की तरह है, अगर इन्हें कुछ दिन के लिए। नहीं, अगले क्रिसमस पे हम यहाँ जरूर आएंगे, ठीक है? खुश ये याद रखना बेटा, माइकल और डिलेन की शादी में तुम्हें जरूर आना है। उसमें तो हम लोग जरूर आएंगे। चलता हूँ भाई। चलता हूँ। बाय बाय। Bye. 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 Tata. चलती हूँ। Bye. Bye. Grandpa. अब हम मस्ती से धूमधाम से शादी मनाएंगे। मस्ती करने के लिए हम लोगों को दो पैग मारना जरूरी है, वैसे भी बहुत दिन